नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में, जिसको हम फिल्टर करेंगे टिकर टैप पर। अगर आपने अभी तक टिकर टैप को यूज करना नहीं सीखा है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आपको मैं एक अलग से वीडियो बता दूंगा जिसमें आप टिकर टैप पर कैसे स्टॉक को फिल्टर करते हैं यह सीख जाएंगे। तो हमने आपके लिए कुल 11 स्टॉक फिल्टर किया है और इस फिल्ट्रेशन का बेस मैंने बनाया है, आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहला जो हमने क्रिटेरिया लिया है पी रेशियो, स्टॉक का पी रेशियो क्या है। दूसरा लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो क्या है। डेट टू इक्विटी रेशियो के आधार पर हम 11 स्टॉक में फिर से फिल्टर करेंगे। फिर 5 ईयर्स हिस्टोरिकल रेवेन्यू ग्रोथ, मतलब जो पिछले 5 साल से अच्छा रेवेन्यू में ग्रोथ दिखा रहा है जो कंपनी। 5 ईयर्स हिस्टोरिक अर्निंग पर शेयर ग्रोथ, पर शेयर जो अर्निंग का ग्रोथ है उसको मैंने लिया है कि अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ क्या है। मतलब यहाँ पर सारा वैल्यू आपको एवरेज वैल्यू दिखाएगा, मतलब 5 ईयर्स का जो हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है 5 ईयर्स का एवरेज वैल्यू है। 5 ईयर्स का जो हिस्टोरिक अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है वो यहाँ पर एवरेज है आपका 5 ईयर्स का। फिर 1 ईयर हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ, तो 1 ईयर का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ क्या है ये आप देख सकते हैं। यहाँ 5 ईयर्स का था, यहाँ पर 1 ईयर्स का है। यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी जो है हमने यहाँ लिया है 25 से मोर देन। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 25 जिसका मिनिमम है, तो मिनिमम मैंने 25 लिया है। आपको बहुत सारे ऐसे ऐसे मतलब इसमें स्टॉक दिख जाएंगे जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी 100 से भी जाता है। यहाँ पर जैसे रिफ्लेक्स, यहाँ पर पूजा इंटरटेनमेंट एंड फिल्म देख सकते हैं, इस सबका जो रिटर्न ऑन इक्विटी 100% से भी ज्यादा है, जैसे HUL का आप देखते हैं। तो हमने जो स्मॉल कैप फिल्टर किया है 11 स्मॉल कैप फिल्टर किया है जो कि क्वालिटी स्मॉल कैप है। तो चलिए सबसे पहला हम डिस्कस कर लेते हैं, पहला कौन सा हमारा है। तो पहला है सोनाटा सॉफ्टवेयर। सोनाटा सॉफ्टवेयर नंबर 1 स्मॉल कैप कंपनी है जिसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों स्मॉल कैप क्यों बता रहे हैं, स्मॉल कैप उनके लिए है जो थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं। तो जितना आप रिस्क लेंगे स्टॉक मार्केट में रिटर्न भी आपको उतना ही बेहतरीन मिलेगा। तो जो सोनाटा सॉफ्टवेयर है एक स्मॉल कैप कंपनी है। आप जैसे छोटे पौधे को लगाते हैं तो जब छोटा पौधा बड़ा होता है तो आपको फल भी बहुत बड़ा मिलता है। तो वही जब छोटे स्मॉल कैप में आप लगाएंगे, अगर ये लार्ज कैप कंपनी बनता है तो आपका जो रिटर्न होगा वो 100 times 200 times मल्टीपल में होगा। मतलब अगर आप 1 लाख रुपया लगाते हैं तो आपका रिटर्न जो है करोड़ों में भी हो सकता है। तो ऐसे ही मल्टीबैगर चुनना है। अगर आप 5 स्मॉल कैप स्टॉक चुनते हैं, अगर एक भी चल जाता है, एक भी स्मॉल कैप स्टॉक आपका 100% रिटर्न दे देता है, तो दोस्तों आपका जो वेल्थ क्रिएट होगा वो जबरदस्त होगा। यही स्टॉक मार्केट है, यहाँ जितना रिस्क आप लेंगे उतना बड़ा रिवार्ड मिलेगा। लेकिन दोस्तों बार बार हम बात करते हैं कि आपका पोर्टफोलियो में ज्यादातर लार्ज कैप स्टॉक होने चाहिए, फिर मिड कैप, फिर स्मॉल कैप। स्मॉल कैप का जो आपको हमने रेशियो बताया था 10 to 15% आप स्मॉल कैप रख सकते हैं, 20% मिड कैप रखिए और लगभग 60% जो है आप लार्ज कैप स्टॉक ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक को रखिए। तो ये आप पर डिपेंड करता है आप कितना रिस्क लेना प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर स्मॉल कैप में पहला आपने देख लिया सोनाटा सॉफ्टवेयर। अगर आप इसका मार्केट कैप देखेंगे तो 4000 करोड़ है। 5000 करोड़ तक का जो मार्केट कैप होता है उसको हम स्मॉल कैप बोलते हैं। ऐसा कोई एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं है कि किसको हम स्मॉल कैप बोलेंगे, किसको मिड कैप, किसको लार्ज कैप। ऐसे 5000 करोड़ तक का जिसका मार्केट कैप है उसको हम स्मॉल कैप, 20000 करोड़ तक जिसका मार्केट कैप है मिड कैप, और 20000 से ऊपर जिसका मार्केट कैप होता है उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं। अगर मार्केट कैप क्या होता है इस सब में अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताएगा। एक हम एजुकेशनल सीरीज बताएंगे जिसपे बेसिक से एडवांस तक आपको बताएंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट को बेसिक से एडवांस तक सीख सकते हैं। फिर यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस देख लीजिए, सोनाटा सॉफ्टवेयर का अभी करंट प्राइस है 389 रुपीज, पी इसका 14 है, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो काफी शानदार है। यहाँ पर कोई भी कंपनी आपको 11 में से एक भी कंपनी नहीं देखेगा जिसका डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब 1 से अधिक हो। मतलब सारे के सारे जो कंपनी आपको दिखा रहे हैं वो फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इसका डिटेल एनालिसिस हम इंडिविजुअल वीडियो में करेंगे जिसमें कंपनी के बिजनेस को देखेंगे। और यहाँ पर डेट टू इक्विटी रेशियो आपने देख लिया कि 1 से कम है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है। उसके बाद हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ देख सकते हैं, अर्निंग पर शेयर ग्रोथ देख सकते हैं, और 1 ईयर का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ, साथ साथ लास्ट में जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो देख लीजिए 38 का है। दोस्तों अगर 20 से अधिक हो तो काफी अच्छा माना जाता है, ये तो लगभग 40 है, मतलब 20 का डबल है। तो रिटर्न इक्विटी जबरदस्त है, मतलब सारे के सारे जो स्टॉक मैंने यहाँ फिल्टर किया है वो सब के सब जबरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी देने वाले हैं, और जबरदस्त हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ वाले हैं, जबरदस्त अर्निंग पर शेयर ग्रोथ वाले हैं।
तो सारे फिल्टर जो हमने लगा के निकाला है 11 स्टॉक्स को निकाला है पूरे स्टॉक मार्केट में। दूसरा है कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज, तो देख सकते हैं कि ये सारे स्टॉक, ये दोनों स्टॉक को मैंने कई बार आपको बताया है कि सोनाटा सॉफ्टवेयर आईटी सेक्टर का अच्छा स्टॉक है, कैपलिन पॉइंट लेबोरेटरीज ये भी बेहतरीन स्टॉक है फार्मा सेक्टर का, और इसका मार्केट कैप है 3008 करोड़, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है अभी 506 रुपीज, और इसका पी जो है 17 का है 7.82, और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.14, और जो 5 ईयर का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है, देख सकते हैं रेवेन्यू का ग्रोथ कितना है 28% का एवरेज रूप से, मतलब एवरेज रूप से जो इसका रेवेन्यू है 28% से इंक्रीज हो रहा है इस कंपनी का। तो दोस्तों इतना गजब का परफॉर्मेंस है, मतलब हर साल रेवेन्यू जो कंपनी का 28% से इंक्रीज होते जा रहा है, तो ये स्मॉल कैप आगे चल करके एक लार्ज कैप कंपनी बनने का पोटेंशियल रखता है। वहीं अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देख लीजिए 40% का है, मतलब हर साल पर शेयर जो अर्निंग है वो 40% से इंक्रीज हो रहा है कंपनी का। 1 ईयर का जो हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है वो है 35 का, और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इस कंपनी का वो है 27 का। तो सारे पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन है। तीसरी जो कंपनी है डोलेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई दिक्कत हो तो फिर आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। डोलेंट इन्वेस्टमेंट लिमिटेड ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग और ब्रोकरेज में है, और इसका करेंट प्राइस है 931 रुपीज। दोस्तों स्टॉक मार्केट बहुत सारे ऐसे स्टॉक मिल जाएंगे जो आपको सस्ते वैल्यूएशन पर मिल जाएंगे, बस आपको खोजना होता है, इसलिए यहाँ पर हमने फिल्टर करके आपको 10 अच्छे स्मॉल कैप स्टॉक को निकाला है, और इसका करेंट जो प्राइस है मात्र 52.95 रुपीज़ है, क्योंकि फाइनेंस सेक्टर के जो भी स्टॉक है अभी काफ़ी अंडर परफॉर्म है। पी रेशियो 13 का है, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो 0 है, मतलब कंपनी के ऊपर कोई भी डेट नहीं है, तो काफ़ी ये पॉजिटिव बातें हैं। वहीं जो 5 ईयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है वो 35.99 का है, और जो इसका अर्निंग पर शेयर है में ग्रोथ है 5 ईयर्स में वो है 83% का, देख 83% से भी अधिक का, काफ़ी तेज़ी से अर्निंग पर शेयर कंपनी का इंक्रीज हो रहा है। 1 ईयर का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो 36.26 का है, मतलब जो 5 ईयर्स का है वही 1 ईयर्स का है, मतलब जो रेवेन्यू है कंपनी का वो कांस्टेंट रूप से इंक्रीज हो रहा है। जो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी है 38 का है, तो काफी बेहतरीन है, क्योंकि रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से अधिक हो तो अच्छा माना जाता है। वहीं चौथी जो कंपनी है वो है जेन टेक्नोलॉजी, अभी इसका जो करेंट प्राइस है, अभी करेंट प्राइस इसका देखते हैं 89 रुपीज का है, और मार्केट कैप मात्र 709 करोड़ का है, बहुत ही छोटी कंपनी है, स्मॉल कैप में भी छोटी कंपनी। पी रेशियो 11 का है, और जो लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.69 का है। उसके बाद इसका जो 5 इयर्स का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ है वो 13 का है, और वहीं 5 इयर्स का हिस्टोरिक अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 30 का है, तो इसका थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो कम है। और वहीं बात करें 1 ईयर का हिस्टोरिक रेवेन्यू ग्रोथ 58 का है, देख सकते पिछले एक साल में काफी तेजी से कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 35 का है। उसके बाद अगला है हमारा 5वां शेयर क्यूपाइड लिमिटेड, ये भी काफ़ी बेहतरीन शेयर यहाँ पर आया है स्मॉल कैप में, और इसका जो मतलब सेक्टर है वो FMCG है, पर्सनल प्रोडक्ट बनाती है, और इसका यहाँ मार्केट कैप देख लिए 331 करोड़ का है, और क्लोजिंग प्राइस जो है 248 रुपीज़ का है, और इसका जो पी रेशियो है देख सकते हैं 8.33 का पी रेशियो है, काफ़ी सस्ते वैल्यूएशन पर आपको मिल रहा है ये कंपनी। डेट टू इक्विटी रेशियो मात्र 0.10 का है, बाकी सारे पैरामीटर्स आपने देख लिया, सारे का सारा जो हिस्टोरी रेवेन्यू ग्रोथ सब मतलब अच्छे क्वालिटी वाले स्टॉक है। तो यहाँ पर आपको हम तेजी तेजी से सारे स्टॉक्स बता देते हैं, और डिटेल में किसी एक वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो छठा है हमारा रिफ्लेक्स इंडस्ट्री, इसका जो मार्केट कैप है 222 करोड़ का है, और करेंट प्राइस 105 का है, पी जो है मात्र 5.11 का है, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.42 का है। वहीं 7वां स्टॉक है हमारा राघव प्रोडक्टिव इन्हेंसर, इसका जो मार्केट कैप है मात्र 199 करोड़ का है, तो बहुत छोटा स्मॉल कैप है, तो इन सब स्टॉक में काफ़ी अलर्ट रहना पड़ेगा, और जो अपना क्वांटिटी साइज है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जितना आप रिस्क ले सकते हैं उसी के अनुसार रखेंगे। फिर इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 198 का है पिछले दिन का, और इसका पी रेशियो जो है 21 का है, और डेट टू इक्विटी रेशियो देख सकते हैं 0.57 का है। अगला जो हमारा स्टॉक है 8वां स्टॉक वह है कांची कर्पूरम लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैप है 179 करोड़ का है, और क्लोजिंग प्राइस 411 करोड़ का है, और पी रेशियो 6.69 का है, और डेट टू इक्विटी रेशियो है 0.08 का है। वहीं 9th नंबर पे जो स्टॉक है हमारा वो है SPL इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका जो मार्केट कैप है 92 करोड़ का है, बहुत छोटा स्मॉल कैप, देख सकते हैं छोटा स्मॉल कैप है, बहुत ही बहुत छोटा।
तो ऐसे स्मॉल कैप में आपको बहुत ही बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के स्टॉक जब मतलब स्टॉक का प्राइस ऊपर बढ़ेंगे काफ़ी तेज़ी से, और जब प्राइस गिरेगा तो वो भी काफ़ी तेज़ी से। और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 31.80 रुपीज़ पे जो है काफ़ी कम है, 2.95 का, और डेट टू इक्विटी रेशियो देखते हैं 0 का है। और यहाँ पर लेकिन अगर इसकी हम बात करें तो देखते हैं रेवेन्यू ग्रोथ 25 का है 5 ईयर्स में, ये कुछ खास नहीं है। लेकिन यहाँ पर अर्निंग पर शेयर का ग्रोथ देखिएगा तो 126 का है 5 ईयर्स में, मतलब काफ़ी तेज़ी से अर्निंग पर शेयर बढ़ा है। और वहाँ 1 ईयर का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 16.93 का है, तो रेवेन्यू ग्रोथ कुछ खास नहीं है। वहीं रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 27 का है, लेकिन अर्निंग पर शेयर में काफ़ी जंप है इस मतलब कंपनी के। अगला 10th नंबर पे जो स्टॉक है हमारा वो है पूजा इंटरटेनमेंट एंड फिल्म्स। इसका जो मार्केट कैप है मात्र 20 करोड़ का कंपनी, बहुत छोटी कंपनी है, और जो क्लोजिंग प्राइस है 40 रुपीज़ का, और इसका जो पी है मात्र 0.72 का है। समझ सकते हैं कि काफ़ी मतलब अंडर परफॉर्म है ये सेक्टर, और काफ़ी कम है इसका मतलब पी 0.72 का, और जो डेट टू इक्विटी रेशियो है 0 है, और 5 ईयर्स का जो रेवेन्यू ग्रोथ है वो 12.30 का है, और जो 5 ईयर्स का अर्निंग पर शेयर ग्रोथ है 133 का है। और जो लास्ट स्टॉक है हमारा 11th नंबर पे हुआ है डिजिटल अंबर लिमिटेड। इसका जो मार्केट कैप है मात्र 8 करोड़ की कंपनी, बहुत ही छोटी एक माइक्रो कैप कंपनी है, और इसका जो क्लोजिंग प्राइस है 25.60 रुपये का, और इसका पी रेशियो है मात्र 7.52 का, और डेट टू जो इक्विटी रेशियो है 0 है। तो दोस्तों ऐसे बेहतरीन कंपनी जब भी आपको गिरावट मिले तो आप लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बी केयरफुल, जब भी मतलब इस प्राइस में करेक्शन आएगा, गिरावट आएगा, वो भी काफ़ी तेज होता है, आपको अलर्ट रहना पड़ेगा। तो उम्मीद करते वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, जब आप पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।